एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज रफी और नई वीडियो के साथ वेलकम है यूट्यूब चैनल सेजू ब्लॉग। भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम हमारे खुद के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाने वाले हैं। हमारा एक फूड हब है जिसका नाम है हबीबी, तो मैं आपको उधर लेके जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे इसको ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है। तो गाइस इसका पूरा लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार, एक महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स आएगा वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पीछे हमारे महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। और ये जो हमारा SVP हॉस्पिटल है पुराना वाला, उसका पीछे का गेट ये साइड है तो यहाँ पे आ सकते हो। और ये वाली जो बिल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे, इसके एग्जैक्ट सामने अंदर साइड महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स के नीचे बैक साइड में यहाँ पे हमारा जो रेस्टोरेंट है, हमारा खुद का होटल है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा हबीबी, फ्राई ग्रिल चाइनीज सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ होता है। तो भाई मैं आप लोगों को अंदर लेके चलूँगा। तो इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पे इसलिए आना है क्योंकि ये तुम्हारे भाई का खुद का रेस्टोरेंट है, तो आप लोग आ सकते हो। काफ़ी VIP ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी और बैठने की जो व्यवस्था है काफ़ी बढ़िया है, ओपन एनवायरनमेंट है। बरसात के हिसाब से अभी कुर्सी वगैरह अंदर लगाई हुई है और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी दी हुई है। तो ये हमारा हबीबी रेस्टोरेंट है और अगर आप लोगों को चिकन और नॉनवेज के अंदर काफ़ी अच्छा और VIP खाना खाना है तो आपको यहाँ पे एकदम मतलब यार सस्ते प्राइस में और VIP खाना मिलेगा। जो आप लोग 5-स्टार होटल के अंदर खाते हो सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो ये जो लोकेशन था अहमदाबाद के अंदर पालड़ी है, पालड़ी के पास महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स है। महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स के नीचे अंडरग्राउंड एक हमारा बेसमेंट है ये साइड, ठीक है, पार्किंग वगैरह, तो उसके अंदर ही हमारा ये रेस्टोरेंट है हबीबी। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलूँगा और हमारे बड़े भाई आज़म भाई से मिलाऊँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी डिश अवेलेबल है और क्या प्राइस में अवेलेबल है, और एक डिश हम हमारे लिए बनवाएंगे उसका सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे आज़म भाई के पास। तो भाई वीडियो हमारे आज़म भाई से बात करने से पहले हमारे कुछ कस्टमर हैं काफ़ी दूर से आए हुए हैं, तो उनसे मैं बात करूँगा और उनका थोड़ा बहुत रिव्यू लेते हैं कि भाई ये रिपीट कस्टमर हैं तो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या इनको मिलता है। तो हमारे भाई से पूछते हैं यहाँ पे, हमारे भाई क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब भाई कहाँ से आए? कपड़वन से। तो मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में बिजनेस करते हो या ऐसे सिर्फ खाने के लिए? खाने के लिए। तो यहाँ का भाई बताओ कैसा है, टेस्ट कैसा है और अदर दूसरी जगह से क्या है यहाँ का? सबसे पहले तो आज़म भाई के जो चाइनीज़ की जो आइटम है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी वो बनाते हैं जी, चाइनीज़ के उनके यहाँ के फ़ैन हो गए। क्या बात है, तो क्या ही बोलूँ, मतलब सब चीज़ बहुत ही अच्छी रहती है। और प्राइस वगैरह कैसी है? बहुत ही नॉर्मल रेट है, बहुत ही। आप लोग कितनी बार आ चुके हैं? हम लोग लगभग 3-4 बार आ चुके हैं। 3-4 बार आ चुके हैं भाई। आप सब बताओ आपको कैसा लगा भाई आने का? माशाल्लाह अच्छा है ना आपका भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। वो कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे एक्स्ट्रा कुछ? रेटिंग इसका 5 में से 5 देना चाहिए। 5 में से 5? ओके। अब आपने तो बड़ी बड़ी होटल में भी खाया ही होगा, तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में क्या फर्क है? माशाल्लाह इसका टेस्ट भी सेम ही, सेम बड़ी होटल जैसा ही है और प्राइस लेकिन कम है वहाँ से। हाँ, प्राइस कम है बिल्कुल। ओके, तो ये हमारे कुछ हमारे भाई कस्टमर्स हैं जिनसे हमने रिव्यू लिया, तो अभी आज़म भाई के पास चलेंगे। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे पार्सल की भी बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। ज़्यादातर लोग पार्सल इस तरीके से लेके जाते हैं, देख लो, तो ये पार्सल ज़्यादातर लोग लेके जाते हैं। और स्विगी पे हमारा हबीबी नाम से हमारा अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आज़म भाई के पास चलता हूँ और आज़म भाई हमारे बड़े भाई से बात करता हूँ। पहली बार लाइफ में इनको मैं अपने चैनल पे ले रहा हूँ, कभी आते नहीं थे, तो मैंने बोला भाई एक वीडियो बना लेते हैं, हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, बनाने में क्या दिक्कत है। तो भाई मना करें, नहीं हमको नहीं बनाना है, ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी सिर्फ आधा घंटा और रुक जाएंगे ना, हम लोग आए हुए हैं 7-8 बजे, आधा घंटा और रुक जाएंगे ना तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आज़म भाई हमारे व्यूवर्स और आपके सब्सक्राइबर आपके चैनल पर वेट करें। अच्छा आज़म भाई ये बताओ टाइमिंग क्या है अपने रेस्टोरेंट का? टाइमिंग अपना मॉर्निंग 11 to 3 PM। हाँ, और नाइट में शाम को है अपना जो है वो 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ, रात को 11:30-12 बजे तक लास्ट रहता है। ओके, और ओके, और यहाँ पे कस्टमर कहाँ कहाँ से आए हुए अभी तक? सर तो काफी भोपाल से लेके इधर नरोड़ा पाटिया से लेके ऐसे सब जगह से काफी कस्टमर से, और यहाँ पे हॉस्पिटल पास में होने की वजह से SVP हॉस्पिटल पास में होने की वजह से यहाँ के भी सारे कस्टमर। अगर आप लोग कभी हॉस्पिटल में आ रहे हो या आपको कुछ काम वगैरह, अगर आपको भूख लगी और आपको प्रोफेशनल और साफ सफाई वाला फूड चाहिए नॉन वेज, तो
सी फूड भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा। तो मैं तो डेली नहीं, हफ्ते में एक दो बार यहाँ पे आके खाता ही हूँ। मेरे लिए कुछ स्पेशल लगाओ ताकि मैं हमारे व्यूवर्स को दिखा सकूँ और आप लोगों को यहाँ पे आना हो। तो मैं दो तीन यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, यहाँ का लाइव लोकेशन दे दूंगा, आजम भाई का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप लोग को रास्ता ना मिल रहा हो। ये हमारे रेगुलर कस्टमर यहाँ पे ये बैठे हमारे बिरयानी के कस्टमर बिरयानी। हाँ कल ही मैंने बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेगुलर वो हमारे भाई साहब रेगुलर कस्टमर उधर भी बैठे हुए। तो मतलब यार रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं यहाँ पे और पार्सल ज्यादा जाता है, पार्सल बैठने से ज्यादा पार्सल जाता है। तो अभी हम लोग हमारा फूड ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। क्या बनवाओगे? आपको ग्रेवी आइटम खानी है या जैसे कि ड्राई? ड्राई 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 में हमारे मलाई टिक्के, मलाई टिक्का और जाफरानी है। हाँ तो दो तीन चीज ऐसी लगवा दो। खाना हमारा जब तक बन रहा है उससे पहले हमारे यहाँ पे अंकल कैमरा बंद होने के बाद बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मैं इनसे पूछता हूँ। मैं यहाँ 20 दिन से आ रहा हूँ, इसके जैसा खाना कहीं मिलेगा नहीं। घर पे खाना नहीं, घर पे खाता है ना 20 दिन से, नंबर वन है बिरयानी। तो यहाँ पे हम भी हमारी एक बिरयानी का ऑर्डर देते हैं तो वो भी आप लोग देखो। भाई साहब तो भाई देखो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है भाई, इसमें क्या बना रहे हो? तंदूरी चिकन वाला, चिकन तंदूरी। हाँ भाई। और ये वाला मलाई टिक्का, मलाई टिक्का। और क्या है इसके अंदर? तंदूरी टिक्का मसाला, तंदूरी टिक्का मसाला, तीन चीज। ठीक है, अगर आपको ड्राई आइटम खाना है तो तंदूरी रोटी भी आप यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बटर वाली खाना है, नॉर्मल खाना है, मिल जाएगी। अब यानी सर रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारा किचन है और किचन की साफ सफाई देखो, हर एक चीज़ यहाँ पे पब्लिक को अलाउ नहीं है, पब्लिक नहीं आ सकती, लेकिन आप लोग बाहर से देख सकते हो कि अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारा बिरयानी बनने जा रहा है और ये सर क्या है? जाफरानी टिक्का मिजा रेडी, जाफरानी टिक्का का मिजा रेडी हो रहा है। क्या बात है, देखो ये रेडी हो रहा है, क्रीम है, क्रीम है इसके अंदर, अमूल क्रीम है ना। हाँ, फ्रेश अमूल क्रीम यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा अमूल क्रीम दिखा दो, ये देखो फ्रेश क्रीम है। हाँ अमूल का। और ये क्रीम के अंदर ये क्या डाला आपने? ये देखो ये पूरा बन रहा है हमारा जाफरानी टिक्का का, एक फ्रेश अमूल क्रीम है इसके अंदर जाएगा चीज, मायोनीज और फ्रेश अमूल क्रीम और इसके अंदर जाएगा चीज। तो चिकन यूज हो रहा है भाई, डेली डेली एकदम फ्रेश चिकन यूज होता है भाई। चिकन कितने दिन का होता है? मतलब फ्रेश होता है डेली, डेली नया आता, डेली नया आता। और कुछ बताना चाहेंगे क्या करते हो ऐसा कि आप पब्लिक आपका इतना मतलब ध्यान रख रही है पब्लिक और इतना खा रही? बिरयानी के ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास? बिरयानी के ज्यादा। डेली कितनी बिरयानी? डेली तो ऐसा ही अपना 50-60 से ऊपर निकल जाता है बिरयानी खाली। भाई साहब डेली बिरयानी 50 से 60 हमारी डेली बिरयानी निकल रही है। चीज़ आप लोग देख रहे हो ना, डेली फ्रेश बनता है इसके अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज ही चिकन बच गया 3 दिन का और फिर उसको बना के दे दिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी कितने दिन कितनी देर में रेडी कर दे? तो भाई बस एक बिरयानी 5 मिनट में। 5 मिनट? ओके, तो 5 मिनट के अंदर एक बिरयानी रेडी हो जाती है, उसके अंदर मलाई टिक्का आ गया। भाई वाह कितना मतलब प्यारा लग रहा है, कितना मज़ा आएगा भाई खाने में। और ये हमारा जाफरानी टिक्के का पूरा रेडी हो गया। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे आए जिन्होंने उनको सर्विंग अच्छा लगा, टेबल अच्छे लगे, सर्विंग अच्छा लगा, फिर देन उनको टेस्ट अच्छा लगा और रेट्स भी काफ़ी अच्छे लगे। और ये देखा उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी है रेट्स के सामने। हाँ उन लोगों ने अहमदाबाद नॉनवेज ग्रुप करके जो फेसबुक पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है, हाँ। मेरे को भी तब बाद में पता चला कि ऐसा भी कोई ग्रुप है। हाँ। जब उन्होंने ये ग्रुप पे हमारा कमेंट्स दिए, काफ़ी अच्छे रिव्यूज दिए, एक पेज भर भर के रिव्यूज दिए, मतलब नॉर्मल ही नहीं, मतलब बहुत डीपली रिव्यूज दिए। सामने एड्रेस भी मेंशन किया, 440 होटल के सामने हमारा ये भी मेंशन किया। और देन फिर पता चला कि मार्केटिंग इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया उस वजह से, और कहीं कहीं से कस्टमर्स आने लग गए, हमको पता ही नहीं चली किधर से आ रहे, पर सबके सब जो भी आ रहा था, जो भी आ रहा है वो फेसबुक से। अभी 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 जो भी आएगा ना यूट्यूब से बोलेंगे आप, जो भी आएगा ये भी होना जरूरी है। ठीक है, फिर पालड़ी एरिया में हम बहुत मिनटों में फेमस हो गए मिनटों में, लेकिन खाना अच्छा था इसके लिए ना खाना। फिर उसके बाद सारे कस्टमर्स आने लगे, उसके बाद सारे कस्टमर्स ने रिव्यूज देना चालू किया हमको कि भाई आपके रिव्यूज आने की वजह से हम आए और खाना सही में वैसा है जैसा बताया गया है। क्या बात है, तो थैंक यू सो मच आजम भाई अपना टाइम देने के लिए। भाई ये स्टोरी है, देखो अगर आप लोग का भी कोई ऐसा बिजनेस हो तो आप लोग भी यार मार्केटिंग करो यार। देखो मार्केटिंग करोगे आप लोग, खाना अच्छा बना रहे हो लेकिन मार्केटिंग नहीं है तो आप लोग नहीं कमा पाओगे भाई। मार्केट बहुत तेज़ हो गई है, बहुत लोग
सोशल मीडिया का पावर यूज कर रहे हैं तो आप लोग भी यूज करो। हमारा यहाँ पे बिरयानी रेडी हो गया। 5 मिनट के अंदर ये हमारा हाफ बिरयानी है जो रेडी हो चुका है। वाओ, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। भाई यहाँ पे हमारी डिश आ चुकी है, हमारा पूरा ड्राई आइटम्स और हमारी हाफ बिरयानी। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा मैंने डिश मंगवाई है, आप लोग चाहो तो ज्यादा भी मंगवा सकते हो। तो इसका एक बार देखो भाई क्या ही डिश है। तो ये डिश की वैल्यू कितनी होगी आजम भाई, कितने रुपए की होगी ये? 400 रुपए तक के। 400 रुपए। इसमें मलाई टिक्का आ गया, सबसे ज्यादा मलाई टिक्का है, फिर इसमें जाफरानी टिक्का है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ टेस्ट करना है हमको और फिर आपको बताना है रिव्यू कैसा है। तो टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं टेस्ट करते हैं हमारा मलाई टिक्का। बहुत सारी जगह तो मलाई टिक्का खाया हुआ है लेकिन यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं और थोड़ी सी बिरयानी भी खा के दिखाएंगे। तो आ जाओ पास में भाई, खाने का मज़ा तो एकदम पास से दिखाने का है। मजा आ गया भाई। अमूल क्रीम, मायोनीज और चिकन चीज, बहुत मस्त। आजम भाई तो रोज खाते थे। अच्छा, यहाँ पे जाफरानी टिक्के का बहुत मैंने सुना है नाम, तो वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा जाफरानी टिक्का है। ये हमारा जाफरानी टिक्का, ये वाला मस्त है यार, जाफरानी टिक्का। ये हमारा जाफरानी टिक्का हो गया। ये हमारी तंदूरी, रेड टिक्का। ओके, ये रेड टिक्का है हमारा। एक्चुअली सूट करने में हमारा जो चिकन है वो हो चुका है ठंडा, क्योंकि खाने से पहले हम लोग फोटो शूट कर रहे थे इसका और उसमें हो गया ठंडा। ये सारे टिक्के अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाता है वो ये बोलता है खेड़ा से अच्छा। खेड़ा से? हाँ, खेड़ा पे बहुत बड़े बड़े होटल हैं और सही बताऊं तो वहाँ पे जाने में ही 2000 का पेट्रोल जाता है, 1000 का, और खाना खाने में 2-3 हज़ार का बिल बनता है, 5000 रुपया। अगर आप लोग 15 लोग 5000 रुपये लेके यहाँ पे आओगे ना, 15 लोग अच्छे से नॉर्मली पेट आपका भर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी बिरयानी देखते हैं। आओ बिरयानी दिखाता हूँ। ये हमारी चिकन बिरयानी है हाफ, ये हाफ नहीं आपसे काम है ना, ये खाली हमने टेस्टिंग के लिए, वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो में आप लोगों के लिए। सर तुम ये भी ट्राई कर लो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना है। तो खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, बिरयानी के अंदर मेरे को स्पेशल सबसे अलग क्यों टेस्ट लग रहा है? मतलब बहुत बिरयानी खाया है मैंने, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम लोगों का जो इंग्रेडिएंट्स रहता है ना, इसमें अच्छे मसालों का जी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, और जो राइस में जो ऑयल यूज होता है नॉर्मली सबसे ज़्यादा टेस्ट, हाँ, अगर देखो आप तो राइस ऑयल का बहुत बिलीव होता है। हाँ, मतलब ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होता है। अच्छा, जैसा ऑयल यूज़ करोगे वैसा टेस्ट आएगा। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स देखते हैं तो वो लोग क्या है पामोलिन वगैरह चलते हैं, हाँ, कुछ अच्छे होते हैं, मतलब अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं। हाँ, और ज़्यादा कोई अगर ज़्यादा वो जेन्यून जाना चाहता है और काफ़ी अच्छा देना चाहता है तो वो सिंथेल जैसा इस्तेमाल कर सकता है। तो हम सिंथेल यूज़ कर रहे हैं, हम ये ध्यान रखते हैं सिंथेल, क्योंकि एरिया भी अच्छा है माशाल्लाह, कस्टमर्स अच्छे और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो दिल खोल के खिलाना, दिल खोल के खर्चा और मटेरियल के अंदर दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 और चिकन वाले हैं या बहुत बड़ा बाजार है तो हम कोई चीज़ के लिए, मतलब हमको सस्ता ढूंढना है, कॉम्पिटिशन है, कोई 120 में बेच रहा है तो मैं 110 में बेचूँ ताकि सारे कस्टमर, ऐसा नहीं, वो सिस्टम यहाँ नहीं है, अल्लाह का एहसान से जी। यहाँ पे यहाँ से लेके पाली बीएस हॉस्पिटल से आप अगर ढूंढोगे कोई चिकन का आइटम रेस्टोरेंट
ऑल ओवर टाइप, जैसे आपको फिश आइटम खानी है, सी फूड खाना है, चिकन के आइटम खाना है, कोई ग्रेवी आइटम खानी है, तंदूर आइटम खाना है, टिक्का से सीख है, ये सारे खाने के लिए आपको जुआपुरा जाना पड़ेगा जी। इसके पहले कोई ऑप्शन नहीं जी। इधर जाओ तो अगर ब्रिज क्रॉस नहीं करना है, इधर जाओ तो आरटीओ तक भी कोई नहीं है जी, समझो। हाँ, ब्रिज आप क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ तो पूरा बाजार है, वहाँ तो पूरा बाजार है, जहाँ पे कंपटीशन भी है और जहाँ पे और वहाँ पे सस्ता सस्ते बनाने के चक्कर में फिर वो मटेरियल भी सस्ता होता है। तो भाई इसको हम लोग कर लेते हैं हमारा खत्म, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई सब खा के पेट एकदम हो चुका है हमारा फुल और मजा ही आ गया। तो तुम्हारे भाई का खुद का रेस्टोरेंट है, आप लोगों को यहाँ पे आना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। और अगर मेनू देखना हो तो स्विगी पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी हबीबी का मेन्यू मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग को डेली इस तरीके की वीडियो देखना हो गाइस की मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या नया आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। डेली इस तरीके की वीडियो देखते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, निकल आते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो।